मित्रों, जैसा कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, मित्रों जब हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश की कहानी का सारांश देखते हैं तो हम चौथे विशिष्ट व्यक्तित्व को उत्पत्ति की पुस्तक के इस अंतिम भाग में पाते हैं। अब यहाँ से आगे उत्पत्ति की पुस्तक का केंद्र बिंदु या व्यक्ति यूसुफ है। यद्यपि हम अभी भी याकूब के परिवार के बारे में ही देख रहे हैं, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और किसी अन्य की अपेक्षा यूसुफ का जिक्र अधिक अध्यायों में किया गया है। उत्पत्ति का पहला पूरा भाग जो अध्याय 1 से 11 है, उससे भी अधिक अध्याय यूसुफ के बारे में वर्णन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक अच्छे अध्ययनकर्ता को या एक विश्वासी को थोड़ा रुककर या पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्यों यूसुफ को इस पुस्तक के अंदर इतनी प्राथमिकता दी गई है। मित्रों, हो सकता है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण यह है कि यूसुफ का जीवन एक अच्छा और आदरणीय है। वह फिलिपियों की पत्री 4:8 का एक जीवित उदाहरण है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें न्याय संगत हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मनोहर हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं का ध्यान किया करो। मित्रों, परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि जो अच्छा, भला और महान है उसे हम अपने सामने रखें, अर्थात ये गुण प्राप्त करें, और यूसुफ का जीवन वैसा ही था। अब यहाँ पर एक दूसरा कारण है जो श्रेष्ठ है। बाइबल में यूसुफ के अलावा और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्तित्व और अनुभव में यीशु मसीह के जैसा हो। लेकिन इसके अलावा भी नए नियम में हमें कहीं भी नहीं बताया गया है या दर्शाया गया है कि यूसुफ यीशु मसीह के स्वरूप है। मित्रों, जो भी हो, इनकी समानता एक दुर्घटना नहीं हो सकती है, और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे हम आपको कई समानताओं को बताएंगे। ऐसे लगभग इनकी 30 समानताएं हैं जिसे मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आइए हम याकूब के वंश की कहानी को सारांश में देखें, जो हमें यीशु मसीह की वंश की ओर ले चलती है। यूसुफ की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि याकूब कनान देश में रह रहा है। याकूब के परिवार में संघर्ष के कारण, मित्रों सर्वप्रथम हम याकूब का परिवार और परिवार में फूट या संघर्ष के कारण को देखेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 और उसके 1 को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब स्पष्ट रूप से बेतलेहम के दक्षिण से चलकर हेब्रोन को आया। यह वही स्थान था जहाँ पर इब्राहिम ने अपना घर बनाया था। यह स्थान परमेश्वर के साथ संगति और बातचीत करने का स्थान है। हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 उसके 2 में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, याकूब की संतान का वर्णन यह है, यूसुफ जब 70 का था और जब वह नवयुवक ही था तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों विल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था, और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मित्रों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि याकूब के कुछ पुत्र हैं जो वास्तव में समस्या उत्पन्न करने वाले हैं, सिवाय यूसुफ और बिन्यामिन के। इसलिए इन लोगों को एक लंबा समय सीखने में लगा जो परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते थे। मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब ध्यान याकूब से हटकर यूसुफ पर दिया जा रहा है। अभी यूसुफ सिर्फ 17 का है और वह एक किशोर ही है, तभी यह घटना घटी। उन भेड़ बकरी चराने वालों में वह सबसे छोटा था और बिन्यामिन उससे भी अधिक छोटा था, और वह घर पर ही था। यूसुफ ने अपने भाइयों के विषय में बुरी बातें अपने पिता को सुनाई, अर्थात उसके भाइयों ने यह पसंद नहीं किया। मुझे पूरा भरोसा है कि वे लोग उसे चुगलखोर कहते थे। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 और उसके 3 को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसराइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया।
मित्रों, याकूब को अब तक अपने घर से यह सबक सीख लेना चाहिए था कि किसी एक का पक्षपात करने से परिवार में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसके खुद के पिता ने बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार किया, जिसे वह अच्छी तरह जानता भी था कि पक्षपात करना या भेदभाव रखना क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह भी बिल्कुल उसी चीज़ को कर रहा है जो उसके पिता ने की थी। इस बात को हम समझ सकते हैं कि उसकी मनोदशा क्या रही होगी, क्योंकि वह राहिल से बेहद प्यार करता था और यूसुफ उसका पुत्र है जिससे वह बेहद प्यार करता है, जो बहुत ही सुंदर और आज्ञाकारी है। मित्रों, यद्यपि यह सब कुछ ठीक ही है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है कि वह पक्षपात करे। उसे वह रंग बिरंगा अंगरखा नहीं बनवाना चाहिए था। रंग बिरंगा अंगरखा का दूसरा संभावित अनुवाद इस प्रकार से हो सकता है, आस्तीन के साथ अंगरखा, एक लंबा आस्तीन का वस्त्र। यदि आप उस समय के वस्त्र पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि एक साधारण पहनने वाला वस्त्र ही 10 फीट लंबा होता था, जो एक ही टुकड़ा का होता था। वे उस वस्त्र में एक छेद बनाते थे और उसमें अपना सिर डालकर पहन लेते थे। कुछ वस्त्र शरीर के आगे और कुछ पीछे गिरा होता था। वे उस वस्त्र को कमर में बांध लेते थे या दोनों बाजुओं को बनाकर उसकी परत बनाकर लपेट लेते थे, जो उनके कुर्ते का काम करता था। उनके आस्तीन नहीं होते थे, इसलिए यदि किसी के वस्त्र में आस्तीन लगे होते थे तो वो दूसरों से भिन्न दिखाई देता था। और यह निश्चित है कि यह रंग बिरंगा अंगरखा भी उसे अवश्य ही अलग करता था। आगे हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से उसके भाई यूसुफ से नफरत करने लगे थे, क्योंकि वह अपने पिता का दुलारा था, इसलिए वे उससे कोई भी शांतिप्रिय बात नहीं करते थे। अब हम यहाँ पर परिवार के अंदर फूट को देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि किसी का भी परिवार क्यों ना हो, पाप उसे मिट्टी में मिला देता है। मित्रों, पाप जीवन को नाश करता है और पाप परिवार को नाश करता है, पाप समाज को नाश करता है और यह देश का भी विनाश करता है। यही समस्या आज हमारे परिवार, शहर और देश के साथ है। इसका एक ही कारण है, जिसे परमेश्वर पाप कहता है। मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि यह लड़का यूसुफ इस पक्षपात का विषय है। उसका पिता उसके प्रति अपने प्यार के कारण पक्षपात करता है और उसके भाई उसके विरुद्ध घृणा या नफरत के कारण पक्षपात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यूसुफ के सपने के कारण उसके भाई उससे और अधिक घृणा करने लगते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और जब उसने अपने भाइयों से इसका वर्णन किया तो वे उससे और भी अधिक वैर रखने लगे। उसने उनसे कहा, मेरा स्वप्न सुनो जिसे मैंने देखा है। मित्रों, हम कैसे उसके व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं कि क्यों वह अपने पिता के पास गया और अपने भाइयों की चुगली की, जबकि वह इस बात को जानता था कि यह उसके प्रति उनकी घृणा को और बढ़ा देगा। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि वास्तव में वह यह नहीं जानता था कि यह संसार इतना भी बुरा हो सकता है। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके भाई कितने बुरे हैं। मेरा यह मानना है कि इस समय तक वह एक भोला भाला लड़का ही था। उसे संसार के उन तरीकों के बारे में जानने के लिए एक लंबा समय लगा, लेकिन उसने निश्चित रूप से तरीकों को जाना अर्थात सीखा। आखिरकार संभवतः वह अन्य इंसान की तरह इस संसार के बारे में और मनुष्य के प्रति मनुष्य की दुष्टता कैसी होती है इसके विषय में जानता था, परंतु अभी नहीं, बाद में वह जान पाया। मित्रों, आप सिर्फ एक कल्पना ही कर सकते हैं कि यूसुफ कैसे बचाया गया। उसके पिता ने अपना पूरा ध्यान राहेल पर लगा दिया था। वह पहली नज़र में ही उसके प्यार में गिर गया और उसके लिए उसने 14 साल तक काम किया। तब इससे पहले कि राहेल किसी बच्चे को जन्म दे, कई साल बिना बच्चे के बीत गए और अंत में यूसुफ का जन्म हुआ। और यह याकूब के लिए क्या ही आनंद का क्षण रहा होगा। परंतु अब राहेल मर चुकी है, इसलिए अब वह अपना सारा ध्यान इस लड़के पर लगाता है।
लेकिन उसने एक पर ही अधिक ध्यान दिया। यूसुफ को अधिक प्यार और सुरक्षा दी गई। मित्रों, हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और देखो मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले मेरे पूले के चारों ओर खड़े हुए और उन्होंने उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करने वाला है? क्या तू निश्चय हम पर शासन करने वाला है? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। मित्रों, क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कैसी हंसी उड़ाई? मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी हंसी दोषदर्शी थी। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि वह उन पर शासन करेगा, फिर भी वे उससे घृणा करने लगे क्योंकि उसने यह स्वप्न देखा था। यद्यपि यह स्वप्न यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है, उसने और एक स्वप्न देखा जिसे हम उत्पत्ति 37 उसके 9 से 11 पद में पाते हैं। तो आइए हम इसे पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। मैंने एक और स्वप्न देखा है, देखो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसने इस स्वप्न का वर्णन अपने पिता और अपने भाइयों से किया और उसके पिता ने झिड़क कर उससे कहा, तूने यह कैसा स्वप्न देखा है? क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे भूमि पर झुककर तुझे दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने इन बातों को मन में रखा। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने यह स्वप्न उन्हें बताया और वे इस बात को समझ गए कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल यही दृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 1 पद में मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्त्री सूरज को पहने हुए है और चंद्रमा उसके पाँव के तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है, जिसका अर्थ है इसराइल देश। इन भाइयों ने समझा कि यूसुफ उनके बारे में बातें कर रहा है जो इसराइल के पुत्र हैं। मित्रों, हम यहाँ पर इसराइल देश के आरंभ को देखते हैं। उत्पत्ति एक कली के समान है और जैसे जैसे हम पवित्र शास्त्र में आगे बढ़ते हैं, फूल खिलता जाएगा। यहाँ पर एक कली है और यह तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ना पढ़ें। और देखा जाए तो यह देर से खिलने वाला फूल है, परंतु यह वहाँ पर खिलने जा रहा है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या कहा गया है, सिवाय इसके कि अपने से अनुमान लगाने की कोशिश करें। जब यह स्पष्ट हो गया है तो हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। बूढ़ा याकूब इसे बिल्कुल सही समझा और यह कहते हुए यूसुफ को झिड़का, क्या इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा पिता और तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई सचमुच तेरे आगे भूमि पर झुककर तुझे दंडवत करेंगे? जो कुछ भी हो, यूसुफ सिर्फ उत्तर में कह सका कि वह एक स्वप्न था। उसने इसकी व्याख्या करने की कोशिश नहीं की क्योंकि यह एक स्पष्ट घटना था। उसके भाइयों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि जहाँ तक उनका संबंध है, यह होना असंभव है। वे इस बात को जानते थे कि उनमें से कोई भी अर्थात एक भी यूसुफ को दंडवत नहीं करेगा, परंतु याकूब ने उसकी बात पर ध्यान दिया। आगे हम देखते हैं कि याकूब यूसुफ को उसके भाइयों के पास मैदान में भेजता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय और उसके 12 पद में पढ़ते हैं, और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने शकेम को गए। इस समय याकूब और उसका परिवार हेब्रोन के आसपास में रह रहा था, जो यरूशलेम के दक्षिण भाग में 20 या उससे अधिक मील की दूरी पर था, और शकेम यरूशलेम के उत्तर में उतनी ही दूरी पर था। इस प्रकार से लड़के अपनी भेड़ बकरियों को घर से काफ़ी दूरी पर चरा रहे थे। हम देखते हैं कि वे अपनी भेड़ बकरियों को उस पूरे क्षेत्र में चरा रहे थे, और हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 13 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरियां नहीं चरा रहे हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। और उसने उससे कहा, मैं जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा। आप देखेंगे कि वह अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी था। हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का कुशल क्षेम देख आ,
और मुझे समाचार दे। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई से विदा कर दिया और वह शकेम पहुंचा। मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु ने हेब्रोन से शकेम तक की यात्रा की, और जब वह शकेम पहुंचा तो वह वहाँ पर अपने भाइयों को चारों ओर ढूंढने लगा। यह एक बीहड़ मैदान क्षेत्र था जहाँ वह उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। तब हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, और एक मनुष्य ने उसे मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? मैं यह सोचकर और कल्पना कर सकता हूँ कि इस व्यक्ति ने यूसुफ को कई बार अपने तंबू के पास से जाते हुए देखा होगा, इसलिए वह उससे पूछता है कि वह किसे ढूंढ रहा है। तब हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, और उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे बताएं कि ये भेड़ बकरियाँ कहाँ चरा रहे हैं। तब उस मनुष्य ने कहा, वे वहाँ से चले गए हैं, मैंने उन्हें यह कहते सुना, आओ हम दोतान चलें। अतः यूसुफ अपने भाइयों की खोज में चला और वे उसे दोतान में मिले। मित्रों, दोतान शकेम के उत्तरी क्षेत्र में है और यह एक लंबी दूरी को तय करता है। यह एस्ड्राइलोन घाटी के निकट है और उसके भाई अपनी भेड़ों को चराने वहीं गए थे, और अंत में यूसुफ को वे मिलते हैं। तब हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 18 से 20 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो वह स्वप्नदर्शी आ रहा है, तो आओ हम उसे घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, फिर कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या होगा। मित्रों, सच में वे यूसुफ से कितनी घृणा करते थे। वे यहाँ पर संभवतः घर से 100 मील की दूरी पर थे, और वे आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि आओ हम इसे अभी घात करें और उससे छुटकारा पाएं, और तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या होता है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस कहानी के साथ आगे बढ़ें, मैं आपका ध्यान यूसुफ और प्रभु यीशु के बीच तुलना की ओर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए आप इस अनुरूपता को किसी भी रीति से मत छोड़िए। तो आइए हम इसके 6 अनुरूपता को देखें। उसमें सबसे पहला है, यूसुफ का जन्म एक चमत्कार था जिसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप था और प्रार्थना का एक उत्तर भी था। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया और उसकी सुधि लेकर उसके गर्भ को खोला। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से हुआ। उसका जन्म निश्चित रूप से एक चमत्कार था, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में पढ़ते हैं। और अब दूसरा है, यूसुफ को अपने पिता के द्वारा बहुत अधिक प्यार दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गीय पिता के द्वारा बहुत प्यार किया गया, जिसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और तीसरा है, यूसुफ के पास रंग बिरंगा अंग रखा था जो उसे सबसे अलग दिखाता था। यीशु मसीह भी अलग किया हुआ था, अर्थात पापियों से अलग किया हुआ था। चौथा है, यूसुफ ने बताया कि वह अपने भाइयों के ऊपर शासन करेगा। यीशु मसीह ने अपने आप को मसीहा के रूप में दर्शाया। जिस प्रकार यूसुफ के संदेश का मजाक उड़ाया गया, उसी प्रकार यीशु मसीह के साथ भी हुआ। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के क्रूस पर यह दोष पत्र लिखकर लटका दिया गया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। और पांचवा है, यूसुफ अपने पिता के द्वारा भाइयों के पास भेजा गया था। यीशु मसीह को भी अपने भाइयों के पास भेजा गया। वह सर्वप्रथम इसराइल के घर की उन खोई हुई भेड़ों के पास आया। और छठवां है, बिना किसी कारण यूसुफ के भाइयों ने उससे घृणा किया, और यीशु मसीह के साथ भी उसके अपने लोगों ने घृणा की बिना किसी कारण के। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 25 पद में इसे पढ़ सकते हैं। मित्रों, अब हम वापस यूसुफ की कहानी में लौटते हैं, तो इस बात को याद रखें कि यूसुफ अपने भाइयों से मिलने जा रहा है और वे उसके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। वह उस रंग बिरंगे अंगरखे को या आस्तीन वाले वस्त्र को पहने हुए है जो एक उपाधि या पद का चिन्ह है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यूसुफ अपने भाइयों से छोटा था, फिर भी वह उनसे ऊंचे पद पर था, इसलिए यहाँ पर ये सब घृणा और ईर्ष्या है, और यहाँ तक कि वे उसे मार डालना चाहते थे।
मित्रों, रूबेन अपने पहलौटेपन का अधिकार पहले ही खो चुका था, लेकिन जो कुछ भी हो वह यहाँ पर एक सही बात के लिए खड़ा होता है और उसका विचार अपने अन्य भाइयों के विचार से कहीं अधिक न्यायसंगत था।